नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो झारखंड के जितने भी भाई लोग हैं आप लोग के लिए एक सुनहरा अवसर आ रहा है, जिसमें क्या है कि जिन्होंने भी बीटेक कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, कम से कम 1000 पोस्ट आपके यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, 969 पोस्ट में जो है इंजीनियर की बहाली होने वाली है। तो क्या चीज़ है, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं अभी। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि झारखंड में 969 इंजीनियर की भर्ती होने वाले हैं, जिसमें आपके कि जिनके कम टाइम है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। असिस्टेंट इंजीनियर की जो है 732 पोस्ट है और जेई की अगर हम लोग बात कर ले तो 237 पोस्ट है। अगर एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो जेई में आपके डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होंगे, बीटेक वाले भी एलिजिबल होंगे और असिस्टेंट इंजीनियर में जो है बीटेक वाले भी एलिजिबल होंगे, केवल बीटेक वाले एलिजिबल होंगे। हालांकि जेई में यूपी में जो अभी आई थी वैकेंसी उसमें बीटेक वाले को फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया था, केवल डिप्लोमा वाले किए थे, लेकिन फिर से पिटीशन वगैरह यहाँ पर गया हुआ है, कोर्ट में शायद गई हुई है नोटिस, तो मे भी शायद कम चांस है, लेकिन आप मान के चलिए कि जेई में दोनों को फॉर्म फिलअप करने मिलेगा, बीटेक वाले को भी और डिप्लोमा वाले को भी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें जेपीएससी के द्वारा भेज दी गई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को, जो भी अधियाचना वाला गया, तो हम लोग सब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि 732 वही पोस्ट और 237 जेई की पोस्ट की सीधी नियुक्ति होने वाली है। सीधी नियुक्ति यानी कि आपका जो है एग्जामिनेशन ली जाएगी, और ये जो जानकारी आई है शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग के सचिव के सोनजी ने बताया है कि विभागीय प्रोन्नति कमेटी यानी कि डीपीसी की बैठक हो गई है। वहाँ से जो चीज़ आई है बाहर, जो सचिव जो है उन्होंने बताया है कि सहायक अभियंताओं की सीधी भर्ती के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग को और कन्या अभियंताओं की भर्ती के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। मतलब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को ये अधियाचना भेज दी गई है जेपीएससी के द्वारा, और ये हिंदुस्तान न्यूज़ में आया हुआ न्यूज़ है। और मैं बताऊं यहाँ आगे जो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पथ निर्माण विभाग में 228 पोस्ट है, जल संसाधन विभाग में 383 पोस्ट है और पेयजल स्वच्छता विभाग में 26 पोस्ट। मतलब कि इतना पद अभी खाली है, तो बिल्कुल मान के चलिए कि अभी आपका पोस्ट जो है ये वैकेंसी ज़रूर आएगी। अभी इतना रिक्त क्योंकि आप लास्ट जो वैकेंसी शायद 2014 में ही आई थी या 2015 की वैकेंसी आई हुई, तो 4-5 साल हो गए हैं, तो सीटें तो बहुत खाली है, तो बिल्कुल आप मान के चलो कि इस बार आएगी, क्योंकि अभी चुनाव भी होने वाले हैं और इस बार सरकार भी थोड़ी सी जो हमारे झारखंड के जो सीएम है रघुवर दास जी जो हैं वो भी थोड़ा सा चिंतित हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अभी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं युवा के ऊपर, पर देखते हैं कितना सही होगा। अब आप लोग भी जानते हैं सच्चाई क्या है नहीं है। लेकिन और भी चीज़ें यहाँ पे जो इन्होंने बताया है कि जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंताओं यांत्रिकी के पद में मैकेनिकल का जो है 84 पद होंगे, असिस्टेंट इंजीनियर में और भी देखा जाएगा कितना इसमें पोस्ट होगा। मैक्सिमम मुझे जहाँ तक लगता है कि सिविल वालों के ज़्यादा पोस्ट होंगे, उसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे। तो ये है, आप लगे रहिए क्योंकि अभी देखिए इलेक्शन का टाइम है, तो मोस्टली चांस रखिए कि वैकेंसी आएगी ही आएगी। और कोशिश कीजिए अभी जो लोग भी अगर कोई जैसे जेएसएससी के ऑफिस जा करके थोड़ा सा फोर्स लगाइए कि जेएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी इन्होंने रोक रखा है अभी तक, जैसे कि कम से कम 400 पोस्ट की बात हुई थी कि आने वाली है, तो अभी तक वो लोग लेट क्यों कर रहे हैं। तो मोस्टली चांस रखिए, मुझे जहां तक लगता है कि पहले जेएसएससी सीजीएल का ही नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही हो सकता है ये आए, या फिर अगर ऐसा हुआ तो या फिर इनका ही नोटिफिकेशन पहले दे दे इंजीनियर, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको आने में जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि जेपीएससी के द्वारा जो चीज़ भी इन्होंने अपना सारा नोटिस वगैरह यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे इन लोग कितना तेज़ी से काम करते हैं, लेकिन मोस्टली चांस रखिए जल्दी ही होंगे क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं झारखंड सीजीएल की, अगर कोई भी झारखंड जीके से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर झारखंड जीके बिल्कुल डिटेल में मैंने पूरा मतलब आप समझ सकते हो कि ए टू जेड बिल्कुल मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। सारे प्रीवियस ईयर के जितने जो एसआई का पेपर हुआ, तो जो क्वेश्चन आए हुए, तो वो सारे मैंने स्टेट बाई स्टेट सारे एक्सप्लेनेशन के साथ विद क्वेश्चन में जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी मैंने जो डिस्कस कर रखे हैं। या फिर आप लोग अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की या ग्रुप डी की, तो मैंने साइंस का सेक्शन भी करना कवर स्टार्ट किया था, थोड़ा सा कवर किया हूँ, लेकिन इंडियन हिस्ट्री लगभग अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आपसे ज़रूर अनुरोध है कि आप झारखंड के जितने भाई लोग हैं आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत उससे बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन के लिए जो मैंने तैयार किया वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होने वाली, क्योंकि टू दी पॉइंट मैंने सारी नोट्स वहाँ पर तैयार है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। तो जो भी डाउट हो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं अप टू डेट करते रहूँगा, कोई भी चीज़ अगर आती है बाहर तो मैं आपको अप टू डेट करते रहूँगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए धन्यवाद।